चलिए फर्स्ट आई विल रीड। हमने इससे पहले आपको पेज नंबर 98 का पढ़ा चुके एयर एंड वाटर, इसमें स्टार्ट करवाया था। मैम कब पढ़ाई आपको? कहाँ थे आप? लास्ट वीडियो देखिएगा, हमारा लास्ट वीडियो देखिए। लिसन, जूम ऐप में कल से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, लेकिन हमने इसके पहले कंटिन्यू आपको इसमें पढ़ाया है। यूट्यूब में आप सर्च करिएगा, ये चैप्टर सर्च करिएगा, मिल जाएगा। आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? आप थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, हमने क्या बताया था ये आप म्यूट करिए। हम आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, म्यूट नहीं करेंगे आप, तो सब लोग म्यूट करके रखो से। बीबी आवाज आ रही है किसी बच्चे की, म्यूट करिए। हाँ हाँ गुड, हाँ अक्षत ने कर लिया, वेरी गुड। हाँ चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जो इसके पहले वीडियो में बताया था कि हमारे लिए एयर वाटर सॉयल ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। एयर के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ये आपको बताया था। और ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन किस पे? एयर में, ठीक है। एयर के बाद सेकेंड जो आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो सोर्स है इसका, ये वाटर है। वाटर के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। एयर के बिना तो हम कुछ पल ही भी जीवित रहना मुश्किल है, लेकिन यदि हमने वाटर कुछ देर तो हम चला सकते हैं बिना वाटर के, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम 24 घंटे चला लेंगे, एक दिन दो दिन भी रह लेंगे बिना पानी के, तीन दिन, लेकिन उसके बाद हमको पानी जरूरी है, नहीं तो डेथ हो जाएगी। जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको एयर फर्स्ट है, पहला एयर की आवश्यकता होती है, फिर वाटर की जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरी होता है, फिर सॉइल भी है, तीसरा मिट्टी की भी जरूरत होती है। मिट्टी में जब तक हम कुछ अनाज नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या? साग सब्जी जो अनाज होता है, सीरियल्स होते हैं, सब उसी में सॉइल में ही हम उसको उसका क्रॉपिंग होती है, फार्मिंग होती है। फार्मिंग के बिना अनाज नहीं आएगा, सब्जियां नहीं आएंगी, तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए पहला एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारी लाइफ के। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं इनको बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे हम जो आगे पढ़ाने वाले थे, स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर के स्टेट कौन कौन से हैं ये हम बताएंगे। हम बुक रीड करेंगे, आपको बुक में मैच करना है फिंगर रख के। वाटर इज फाउंड इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Ice is the soil, solid form of water. The liquid form is water. Water vapor is the gaseous form of water. Water can change its form in normal temperature. Water is liquid. When it is too cold, water changes to solid and becomes ice. When it is too hot, water changes to gas and become water vapor. अब हम बहुत सिंपल आपको वे पे बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको जो वॉटर का फॉर्म मिलता है वो जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बताया सबसे पहले क्या है? वॉटर। वॉटर ही फॉर्म में रहता है, वॉटर फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। अब वाटर को हम दूसरा फॉर्म बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक ग्लास आपने पानी लिया, उसको आधा आपने रेफ्रिजरेटर में, और जो आइस ट्रे होती है, बोलना नहीं है बिल्कुल, आपको सुनना है बस। आइस ट्रे में आप वाटर को रखकर और रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, आफ्टर सम टाइम जब आप उसे निकालोगे तो वाटर का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, क्या बन जाएगा वाटर? यस, एनीवन रिप्लाई? आइस।
आइस कौन सा फॉर्म होता है? आइस मैम सॉलिड फॉर्म, आइस सॉलिड फॉर्म। हाँ तो आइस सॉलिड फॉर्म होता है। ओके यस मैम। बस आंसर देने के बाद आपको फिर से म्यूट कर देना है, जब हम पूछेंगे तब आपको बोलना बस, क्योंकि हमको हमको डिस्टर्ब हो रहा है, हम पढ़ाएंगे नहीं फिर सुके रहेंगे। सबके माइक म्यूट हो जाना चाहिए। अब ये जो एक बच्चे अभी म्यूट नहीं किया है, जो अभी ईयरफोन लगा रहा है, व्हाट इज योर नेम? अनुराग। हाँ अब म्यूट किए। आपको क्या करना है उसमें, आप वाटर को अपने आइस ट्रे में रखा, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, वाटर का सॉलिड फॉर्म है। अब जो आपने कुछ ग्लास में, आधे ग्लास में वाटर रखा है, उसको आप गैस के ऊपर एक बर्तन पे चढ़ा दीजिए और एक ढक्कन से कवर कर दीजिए और उसको बॉयल होने दीजिए। बॉयल होने के बाद जब आप उस जो ढक्कन ढका हुआ है उसको हटा के देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी वेपर की क्या बूंदे बन जाती है। तो वो वेपर की बूंदे क्या होती है, वो गैसेस फॉर्म में है, वो वेपर बनके स्टीम बनके ऊपर उड़ती है, गैस फॉर्म में आ जाती है। तो आपका जो आइस हो गया वो सॉलिड फॉर्म है और जो वाटर जो आप ड्रिंकिंग करते हो वो वाटर लिक्विड फॉर्म है और जो उसमें स्टीम हो रहा था वाटर वो क्या है, गैस फॉर्म में हो गया। ये तीनों फॉर्म है, यही तीन फॉर्म वाटर के होते हैं। अंडरस्टूड? अब इसके आगे देखना है शेप ऑफ वाटर। क्या वाटर का कोई शेप होता है? नो, कोई शेप नहीं होता है। वाटर का शेप कब चेंज हो जाता है? जब यदि आप जिस वेसल्स में आप वाटर को लोगे वही वेसल का, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना है, दो मिनट आप वेट करिए, उसके बाद आपको पता, जब हम पूछेंगे तब आपको क्वेश्चन करना है, अभी कुछ नहीं बोलना है। हम नहीं, हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, बस केवल सुनना है। अभी देखिए, वाटर में दिया है, यदि आप किसी बाउल में वाटर को लेंगे, लिक्विड फॉर्म वाला वाटर को लेंगे, तो उसका क्या शेप हो जाएगा, उस बाउल के शेप का हो जाएगा। आप किसी भी ग्लास में ले लिया, जग में ले लिया, तो उस वाटर का शेप उसी बर्तन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। वाटर का कोई शेप नहीं होता, शेप नहीं होता। हाँ, सॉलिड फॉर्म को आप शेप में डाल सकते हैं, जब आइस ट्रे में आप डालते हो वाटर को, जो सॉलिड फॉर्म आता है तो वो किसका, आइस क्यूब का मतलब शेप ले लेता है। लेकिन लिक्विड वाटर जिस बर्तन में आप डालोगे उसी बर्तन में उसका शेप आ जाएगा। आप कप में रखोगे तो कप में हो जाएगा, आप किसी बाउल में रख रहे हो तो बाउल का शेप हो जाएगा, आप किसी जग में रख रहे हो, आप मिट्टी के बर्तन में रख रहे हो, उसी शेप का आ जाएगा। तो वाटर का कोई शेप नहीं होता है, उसको हम जिस बर्तन में डालेंगे उसी शेप का बन जाता है। अब इसमें छोटा सा दिया है एक्टिविटी, पेज नंबर 100, सर योर पेज, उसमें पेज नंबर 100 में दिया एक्टिविटी, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फर्स्ट दिया, अब आपको आंसर देना होगा, इसलिए शोर नहीं मचाओगे, बहुत आराम से आपको पोलाइटली आंसर देना है। फर्स्ट दिया है, वेन वी पुट आइसक्रीम इन द माइक्रोवेव इट विल बिकम, किस शेप में, क्या हो जाएगा, उसका कौन सा फॉर्म आएगा, आइसक्रीम को माइक्रोवेव में यदि रखोगे, सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड 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 कैसे होगा, कौन बोल रहा है सॉलिड, लिक्विड मैम, लिक्विड होगा। माइक्रोवेव गर्म होता है, जब उसमें आइसक्रीम पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, सॉलिड तो होता है जब आइस क्यूब हो जाता है, मतलब बर्फ बन जाती है तब सॉलिड होता है। यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी आइसक्रीम, तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो आपको लिक्विड में टिक करना है। ओके, अब हाँ, अब इसके बाद है सेकेंड, वेन वी पुट मिल्क इन द फ्रीजर ऑफ द रेफ्रिजरेटर,
it will become solid ho jayegi dekhe solid mam solid ha ha aapko liquid hoga usko jab aap आइस क्यूब बना लोगे तो वो बर्फ के फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ओके तो आप सॉलिड में टिक सी में टिक कर लीजिए। अब थर्ड दिया है, बलून राइजेस बिकॉज इट इज फिल्ड विथ, क्या भरा होता है उसमें? गैस। उसमें गैस भरी होती है, इसीलिए वो क्या करता है, राइजिंग उड़ पाता है। आपको सी में टिक कर लेना है। ओके ओके मैम। अब फोर्थ है, वी सी डैश कमिंग आउट फ्रॉम अ हॉट कप ऑफ टी। स्टीम, स्टीम, हाँ, एक कप से रखा रहता है। हाँ स्टीम है, अब कैसे है वो समझ लीजिए। स्टीम कैसे होगा, एक जब आपको गरम गरम पानी होगा या चाय रखी होगी तो उसमें से क्या निकलती है, स्टीम, भाप निकलती है ना। स्टीम, और वो स्टीम ही ऊपर जाके किस फॉर्म में आ जाती है, गैस फॉर्म में। ठीक है, हाँ ओके। चलिए तो इसको आप स्टीम में स्टिक कर लीजिएगा। हाँ अब एनीवन वांट्स टू क्वेश्चन, कोई आपको हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, इतना ना समझ में आया हो जिसको, वो हमसे पूछ सकते हैं। आप पूछिए, किसी को समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, इतने जितना हमने अभी टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड। नो मैम, नो मैम, हाँ अच्छा, सबको समझ में आ गया? यस मैम। हमने कहा स्टीम हो रहा है वाटर, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस, और वो कैसे मैम? क्या फिर से बोलिए, फिर से बोलिए क्वेश्चन। मैम आपने कहा था जब स्टीम होता है वाटर तो वो गैस के फॉर्म में आ जाता है, कैसे? स्टीम होने, स्टीम क्या होती है, भाप होती है, भाप में गैस फॉर्म में, वो गैस फॉर्म में ही उड़ती है, हल्की होगी तब तो ऊपर आएगी ना। स्टीम क्या होता है, हाँ गैस फॉर्म में आएगा तब तो ऊपर उड़ रहा है, है ना? यस यस मैम। हाँ अब आगे और किसी को पूछना है, नहीं है ना, आगे बढ़े। हाँ नो मैम, नो मैम। चलिए इसमें एक क्वेश्चन आंसर आपको लिखना होगा। पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेम थ्री गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, कौन सी थ्री गैसेस एयर में प्रेजेंट होती हैं, बताइए। हाँ बताइए कौन सी थ्री गैसेस एयर में। हाँ देखिए, थ्री केसेस एयर में जो प्रेजेंट होती है वो पहले सबसे इम्पोर्टेंट रहती है ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, है ना, ब्रीथिंग करते हैं वो ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड है नाइट्रोजन। ये थ्री गैसेस, फिर सब अनम्यूट कर लिए हैं, क्लास ओवर करें हम। सिप्रा म्यूट करिए, सिप्रा म्यूट करिए अपना माइक, सब माइक म्यूट करिए। नाइट्रोजन, हाँ हमने बता दिया है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये कौन है? एक अभी एक बच्ची नहीं की है, म्यूट करिए।
आप लोग अपना नाम लिखा करिए, नाम नहीं लिखा तो हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ आप म्यूट किया, हम सारे बच्चों को अभी नहीं जानते हैं, तो आपको नाम लिख लेना है जहाँ पे पार्टिसिपेट उसमें नाम दिया रहता है। कुछ बच्चों ने नाम लिखा, कुछ ने नहीं लिखा, तो आपके मोबाइल का नाम आ रहा है, रेडमी आ रहा है, ये सब नहीं होना, वीवो ये सब नहीं लिखना, आपको अपना नाम लिखना जिससे हम पहचान पाए। बहुत सारे बच्चों के नाम नहीं, इसमें एक बच्चे का ADT कुछ भी लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखना, अपना नेम उसमें शो करना है। हाँ आप ये आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये तीन गैसेस प्रेजेंट होती है एयर में, ये आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपको खुद लिखना होगा, दिया हुआ है, बन जाएगा सबको ना। तो चलो नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन एक गैस होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। हाँ तो ये देखिए, आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर लिखकर रखना है, कल नोटबुक में सबके हो जाना चाहिए, ठीक है? तो अब आगे कल पढ़ाएंगे सोर्सेस ऑफ वाटर, ओके? सोर्सेस ऑफ वाटर कल पढ़ाएंगे, सभी को मालूम है क्या क्या सोर्स होते हैं वाटर के, सब जानते हो ना? जरा बताएंगे, किसी को मालूम है आपके घर में वाटर कहाँ से आता है? मैम टैप से। टैप से, हाँ, और मैम आरओ से। आरओ से नहीं आता, हाँ वेल से आता है, एंड हैंडपम्प से आता है, और तो टैप से आता है। हाँ वेल से, टैप से भी। क्वेश्चन का आंसर लिखना नोटबुक में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 104 का, पहला उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया, नेम थ्री गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, नेम थ्री गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, ये क्वेश्चन है और उसका आंसर भी हमने बता दिया है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ आपको आंसर लिखना है, थ्री गैसेस प्रेजेंट इन द एयर सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, बस इतना आंसर लिखना है, ओके? कल आपको सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ाएंगे बेटा, ओके? अब आप लोग ब्रेकफास्ट करिए, यदि आपने हाँ ब्रेकफास्ट नहीं किया, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ओके बाय बच्चों, बाय बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय बाय, बाय बाय।